अगर राव साहब नेताजी की सपोर्ट दिल से करेंगे तो इसको हराने वाला कोई है ही नहीं। वो तो फिर अब की बार अगर अगर अब की बार कापड़ी हुआ साहब ने सपोर्ट किया होगा तो वो भी करेंगे, पक्का करेंगे। तो ये तो ये जयवाड़ी सीट हारने का टिकट के हिसाब से जी। नहीं तो ये सीट हारने वाली नहीं थी, बहुत भारी लीड करती है सीट। इसके अलावा किसी भी कैंडिडेट को देते तो जीत कराता था जी। चाहे कापड़ी हुआ सब जो और कोई वितरण पे हो गए। आपके गांव से तो कैप्टन अजय यादव भी है, बड़े हमारे भाई बंदे गांव के अंदर प्रभाव है उनका या नहीं? प्रभाव है कैसे नहीं है प्रभाव? प्रभाव है उनका जी, जो उनके वोटर है वो है फिक्स है। लेकिन इसका मतलब ये ना थोड़ी है कि भाई हम जो है ना भाई उनसे बंद गए हैं जो। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूँ अमित अमन। अभी रेवाड़ी विधानसभा का जो गांव है सहारनवास, वहां पे मौजूद है और ये गांव भी प्रसिद्ध गांवों में से भी एक है। और सबसे बड़ी बात कि कैप्टन अजय यादव जो कि रेवाड़ी से 6 बार के विधायक रहे हैं और फिलहाल उनके खुद के जो पुत्र हैं वो विधायक हैं, उनका भी गांव यही है। और ये गांव अपनी विरासत के लिए कह लें चाहे संस्कृति के लिए कह लें काफी पहले से ही प्रसिद्ध गांवों में से एक आता है। लेकिन इस गांव की जो स्थिति है आज की अगर बात करें, क्योंकि इलेक्शन एक बार फिर से नजदीक है और अब की बार इलेक्शन है विधानसभा का। आपने कुछ ही दिनों पहले एक इलेक्शन देखा होगा जो इलेक्शन था लोकसभा का, और उसमें इस पूरे हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में 5-5 के आधार पर जो सीटें हैं कांग्रेस और बीजेपी के अंदर बट गई थी। लेकिन अब जो इलेक्शन मुहाने पर खड़ा हुआ है उस इलेक्शन को जो पूरा हरियाणा है या खासतौर पर अगर रेवाड़ी विधानसभा की बात करें तो ये रेवाड़ी विधानसभा किस तरीके से देखती है, चलिए जो गांव के बड़े बुजुर्ग हमारे साथ में मौजूद हैं इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि अब जो इलेक्शन होगा वो किस करवट बैठेगा। चलिए एक एक करके जान लेते हैं। बहुत क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यनारायण है। सत्यनारायण जी, आप बताएं जब इस इलेक्शन की बात आती है बार बार तो जो विधायक होते हैं तो इस एरिया के अंदर आपका जो पूरा रेवाड़ी विधानसभा है तो कब यहाँ पे काम हुए, या फिर अगर इस विधायक की बात करें तो इन विधायकों ने कोई काम करवाया कि नहीं करवाया? देखो काम तो सभी करवाते हैं थोड़ा बहुत, हर विधायक जो कॉन्स्टिट्यूंसी का होता है थोड़ा बहुत सभी में होता है। लेकिन रणधीर सिंह कापड़ीवास की योजना में काम काफी हुए जी, या तो रणधीर सिंह जी की योजना में काफी काम हुआ काफी। लेकिन अब बात करें आपके खुद के गांव से, कैप्टन साहब हैं फिर उनके पुत्र अब हैं, तो गांव का होने के नाते कहीं गांव के अंदर कोई अच्छी चीजें हुई हो पाई या अलग से कुछ हो पाया हो? अभी कोई ऐसा कुछ खास तो हुआ है, अपने गांव की चौपाल है भाई, ये तो जरूर, ये भी जो है नेताजी जो है वो करके गए थे रणधीर सिंह की वो, लेकिन योजना में चिरंजीव राव की बिल्कुल। तो अब अगर हम बात करें आपके ही इलाके कर लेते हैं, चलिए तो जो विधायक होते हैं वो काम तो पहले से भी आपने बताया कि ऐसे ही करते आते हैं, तो बनना कौन चाहिए, कैसा विधायक आप लोगों को चाहिए? देखो हम तो ये कहते हैं कि ईमानदार जो है नेताजी है, ईमानदार आदमी सही, अगर इसको टिकट मिलती है तो ये बनेगा। अच्छा, वो बन सकते हैं बन सकते लेकिन यहाँ पे तो बड़ा फैक्टर राव साहब भी आते हैं, राव इंद्रजीत को भी यहाँ पे बड़ा। देखो अगर राव साहब नेताजी की सपोर्ट दिल से करेंगे तो इसको हराने वाला कोई है ही नहीं। वो तो फिर अब की बार अगर अगर अब की बार कापड़ी हुआ साहब ने सपोर्ट किया होगा तो वो भी करेंगे, पक्का करेंगे। तो ये तो देखो आपस की राजनीति जो है ऐसा ही है, यही आपस में एक दूसरे को जो चढ़ता है उसको ये सोचते हैं कि ये गिरे जी। लेकिन हवा किसकी अगर विधानसभा की बात की जाए, पार्टी कौन सी हवा है? पार्टी अब जो है मैं बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस है, अब पार्टी बीजेपी आएगी अब 40 से 50 सीट तक पूरे हरियाणा की बात कर रहे हैं, पूरे हरियाणा की बता दी मैंने। अच्छा ये आपको ऐसा क्यों लग रहा है क्योंकि 5 सीट तो अब भी गवा दी बीजेपी ने, लोकसभा में 5 सीट गवा चुकी है बीजेपी पिछली बार, 5 सीट गवा दी लेकिन आगे जो है सेंटर में मोदी जी बैठे हैं, उस सेंटर में उस हरियाणा में वही सरकार बनेगी जो ऊपर बना जी। मतलब ये तो इतिहास तो खैर ऐसा ही रहा है, लेकिन जो अगर देखें तो क्या उसको सपोर्ट करने के लिए बनेगी, काम हो जाए? हाँ हाँ, जब क्लियर स्थिति में आएगी तो काम अपना आप होगा, हरियाणा के बच्चे भी लगेंगे सारे ही काम होंगे इस योजना में। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आज बिल्कुल चलिए दूसरे साहब उनसे पूछ लेते हैं। साहब क्या नाम आपका? सुखबीर सिंह। सुखबीर जी, आपके गांव से तो बड़े जो नेता हैं वो रहे हैं कैप्टन अजय यादव, 6 बार के विधायक और अब उनके पुत्र हैं, तो क्या इलाके में काम हो पाया उनके द्वारा? भाई काम है, ये भी तो 6 बार जीते हो से, देख बगैर काम कौन जीता हो ये बताओ आप जी।
फिर लड़का जीत गया, उसका बाप बनता रहा, जब काम नहीं होता तो जूता मार के भगा देते जी। बताओ बिल्कुल, तो अब की बार क्या चल रहे है, क्या कांग्रेस के ही विधायक रहेंगे आगे? भाई इसके बारे में क्या पता लगे, जनता कैठा बदल दिया कैठा ना जी। बताओ, लेकिन थोड़ा बहुत महसूस हो जाता हवा किस तरफ चल रही है? नहीं, हवा को कैसे पता लगे, ये मोदी जी कह रहा था 400 पार 400 पार, तो हवा फिर के बदलेगी वो तो ये इस विधायक इन विधायक के साथ भी हो सकता है क्या? भाई किसी का क्या पता किसके साथ क्या हो जाए, कौन भीतर घात करने आ जाए, कहीं को पलटा भारी हो जाए, कहीं को कमजोर हो जाए, तो भीतर घात का डर बना हुआ है विधानसभा। मतलब ये घात का डर जो है, पहले तो बीजेपी को हुआ करता था, कांग्रेस को भी होने लग गया, बस सभी को ही है यार। ये तो पंच सरपंच भी ना हो जाए यार, ये बहन पड़ोसी देखो वोट ना दो यार, कैसा टूटे, तो ये तो वही चीज है कि सबको डर से कौन कहाँ छुपे रोस्ते भीतर घात करके बैठे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो अब की बार कांग्रेस की 5 सीटें आई हरियाणा के अंदर लोकसभा में, तो क्या सरकार बनाने की तरफ कदम है हरियाणा के अंदर? भाई इन चीजों ने देखी ना, जब जब 5 आ गई तो आगे भी शायद चांस बन सके, जोश तो बनाई हो। हाँ, जोश तो बनाई हुई भाई, जब 5 सीट ले गया तो एक उसके अंदर कम से 5-5 तो मिल जाते होंगे, तो 25-30 तो साहब का कद बढ़ा है, बढ़िया तो है, पिछली बार एक भी ना आया था, सारा साफ हो गया था, बढ़िया तो है ना, आप तो वो है तो कब तो बढ़िया ही। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं। चलिए, और शख्स भी मौजूद है भाव जी, क्या नाम है आपका? बंदेश जी, जी आप बताएं। मेरा विचार ये है जी, ये अभी लोकसभा इलेक्शन हो गए, बनवा के क्या तो बनवा, तो इसमें ऐसा है कि दक्षिण हरियाणा में कोशिश होगी कि बीजेपी का पलड़ा भारी हो, बीजेपी का पलड़ा भारी रहे, लेकिन दक्षिणी हरियाणा भी अब की बार कांग्रेस को काफी वोट दिए हैं, लेकिन देखो ना, जो ये रेवाड़ी की सीट थी गुड़गांव की जी, बहुत टफ सीट थी, 3-3 लाख से हारता हुआ जी, फिर भी इसको जो है बादशाहपुर बावल और रेवाड़ी ने कवर किया जी, इतनी सीट कवर कर ली, तो अनुमान ये लगा जाता है कि आगे MLA इलेक्शन में भी यही एरिया को कवर करेंगे, इस देखकर अनुमान लगाया जाता है। तो अब अगर बात करें हरियाणा के लेवल की, तो हुड्डा साहब के बारे में क्या सोचते हैं आप? हुड्डा साहब का कद बढ़ा है कुछ? नहीं, इधर हमारे इलाके अंदर तो तकरीबन वोट जो है बीजेपी की ज्यादा होनी चाहिए जी, तो वो अभी उनके इलाके में बढ़ा होगा, कद बढ़ा होगा। अभी देखो ना, जैसे अभी जो बोल रहे हैं जी, कोसरी से हल्के सिर्फ 2 बटन जीत का है, मानसर और उधर इतनी सीट, लेकिन 75,000 की लीड भी कम हुई है, ये भी देखना है। नहीं, पिछली बार 75,000 से हरा के डाल दिया, हरा के भेजा था, 75,000 की लीड कम हो गई है। देखो ना, अब उनका विचार तो हम 25,000 आएंगे, लेकिन सिर्फ 2-3 हजार आए बस, पड़ेगा तो इतना तो आप पता, इतना तो आप पता है जी, इतना तो अभी बचा हुआ है, इसी एरिए में है ये, बाकी उधर तो उनकी वोटे है ही। अच्छा, रेवाड़ी वासियों की अगर मैं बात करूँ, तो आप लोगों को कैसा विधायक चाहिए? सबसे बड़ी बात तो ये है, विधायक चाहिए कैसा, नाम नहीं चाहिए कैसा? देखो जी, जो रेवाड़ी में अब जब विधायक बने हैं और बन लिए, ना तो बीजेपी का विधायक गलत रहा है और ना ही कांग्रेस का रहा है, क्योंकि कापड़ीवास साहब बने, ये भी बढ़िया विधायक थे, और कप्तान साहब अपने गांव का होते एकदम बढ़िया ही कहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा है ना कि दोनों में से अगर कोई त्रुटि होती तो हम बता सकते इसमें ये त्रुटि, बस त्रुटि सिर्फ क्या होगा, इस इलेक्शन में टिकट बांटने की त्रुटि होगी तो कांग्रेस विधायक आता ही नहीं। अगर पिछली बार की बात करूं मैं आपकी विधानसभा की, तो पिछली बार जो हारे थे बीजेपी यहां से हारी थी, तो टिकट वितरण के कारण हारी थी या कैसे हारी? वितरण के कारण, वितरण गलत पार्टी के वितरण के कारण, टिकट सही आदमी को टिकट नहीं मिली, ठीक है, और वो जो कहीं भी बांट दी सब, ये रेवाड़ी सीट हारने के कारण टिकट के हिसाब से, नहीं तो सीट हारने वाली नहीं थी, बहुत भारी लीड करती है सीट, इसके अलावा किसी भी कैंडिडेट को देते तो जीत कराता था जी, कापड़ी वाई सब जो और कोई वितरण पे हो गए। तो अब की बार लग रहा है कि बीजेपी सीट निकाल पाएगी? देखो अब टिकट देगा उसमें बताएंगे किसको टिकट नियुक्त करता है, वो भी टिकट निर्धारित करेगा, ऐसे किसी आदमी को दे जाए तो टिकट पे डिपेंड करता है, हो सकता है किस नए चेहरे को दे दे जो इससे भी उठा हुआ चेहरा हो, लेकिन सभा में तो लोकल चेहरा ही होता है जी, बिल्कुल चेहरा आपका लोकल ही होगा, लेकिन होता क्या है कि इस सीट पे राव साहब का दबदबा माना जाता है कि वो जिधर इशारा करते हैं वहां टिकट मिलती है, वो भी है कुछ मोदी बना आप दिमाग लगाएगा आपके जी, कोई थोड़ी सी झटका लग गया मोदी फिर भी जो ऐसी बात तो नहीं। अच्छा, आप क्या मानते हैं मोदी फैक्टर भी काम करेगा विधानसभा चुनाव? हाँ, काम करेगा मोदी फैक्टर, काम करेगा, जो जो वोटे मिलेगी मोदी के हिसाब से मिले, अब भी मोदी के हिसाब से। जी नाम क्या है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, आप बताएं आपका क्या मानना है, अगर आपकी विधानसभा के बारे में बात करें
तो एक तो जो विधायक अब तक रहे हैं उन्होंने कुछ काम करवाया नहीं करवाया? नहीं, काम तो जो रूटीन से जो है, जैसे भी योजना में आते हैं वो तो काम तो होते ही रहते हैं जो है, वो तो हर योजना में ही हुए हैं। अब जैसे हमारे गांव की पर्सनली लेते हैं तो भाई आईटीआई भी खुली है यहाँ पर, नियर बाई पॉलिटेक्निक भी खुले, डाइट भी खुली हुई है, पशुओं का हॉस्पिटल भी खुला है, ये है तो इसी इन्हीं की योजनाओं में हुए हैं जो, तो ये तो नकार तो नहीं सकते ना कि भाई काम नहीं हुए, जो काम तो हुए हैं जो। तो विधानसभा के ऊपर जो जोर है या कहीं प्रभाव है वो बड़े नेताओं का रहता है या छोटों का भी रहता है? नहीं, बड़े नेताओं का कैसे नहीं रहता है, हमारे जो लोकल एमपी उनका प्रभाव तो रहता ही रहता है, जितनी उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी में जितनी विधानसभा की जो सीटें आती है नेचुरली उनके ऊपर तो उनका इफेक्ट होता ही होता है। बिल्कुल, लेकिन जो छोटा चुनाव होता है मान लो विधानसभा का चुनाव है तो उस पे क्या जो सेंट्रल लेवल के नेता है मोदी जी की अगर बात करें तो उनका भी वोटों के ऊपर प्रभाव? नहीं, वोटों पे तो अब जैसे भाई कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ है, कोई कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, तो जो मोदी से जुड़ा हुआ है उनका तो प्रभाव रहेगा ही रहेगा, बड़े नेता मोदी हैं तो मोदी का प्रभाव तो चलेगा जी। कोई कांग्रेस को मानता है तो फिर राहुल गांधी का प्रभाव चलेगा जी। तो ये तो वोटर के ऊपर डिपेंड करता है ना, वो किसके हैं, कांग्रेस के हैं या किसको मानता है। बिल्कुल, और कुछ लोकल जो है भाई लोकल फैक्टर भी होता है, लोकल पार्टियों का भी होता है, जसपा है उनका अपना प्रभाव है जो है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि अगर सीटों की टोटल वो देखी जाए तो जो कांग्रेस अब की बार 5 सीट लोकसभा में जीती है, हुड्डा साहब के कद के बारे में या फिर जो आगे सीटें निकलने वाली हैं उनके बारे में क्या ज्यादा प्रभाव रहेगा कांग्रेस? नहीं, 50-50 तो शो ही हो रहा है। हाँ, हाँ। लोकसभा में 50-50 तो शो हो ही गया है। हाँ, अगर कुछ चीजें हैं जैसे भाई सेंट्रल लेवल की अग्निवीर योजना वगैरह है, भाई इनको जो है वापसी ले लिया जाता है, कुछ अमेंडमेंट किया जाता है इसके अंदर, तो सेंटर का ये प्रभाव जो है स्टेट के ऊपर पड़ेगा जो है इलेक्शन में, बीजेपी के फेवर में जाएगी वोटें जो, क्योंकि यंग जो यूथ है वो नाराज है। वो नाराज क्यों है कि एक तो अग्निवीर योजना ठीक नहीं है, 4 साल के बाद जो है ना बच्चा जाएगा कहां पर, जो है फ्यूचर जो है ना है नहीं ठीक है, एक मुश्त जो है ना पैसे लेके आ जाएंगे जो है, लेकिन आगे क्या करेंगे। नंबर दो, डिफेंस के अंदर करप्शन बढ़ेगा अग्निवीर के कारण, जो जी। जो 25% जो रेगुलर करेंगे जो ना ऑफिसर जो ना, समझते ना आप, ऑफिसर जो ना ले दे करके जो ना प्रमोट करेंगे जो रेगुलर वालों को जो है, तो करप्शन जो है डिफेंस में बढ़ेगा। नंबर दो, इसमें अगर समीक्षा होकर के इसमें अमेंडमेंट किया जाता है कुछ जो, तो इसका असर जो विधानसभा पे पड़ेगा ही पड़ेगा, जो यूथ जो है ना जो बीजेपी से छिटक गया है वो वापसी जो है जुड़ेगा, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में भी यूथ जो चाहते थे मोदी पीएम बने, लेकिन इनको कुछ जो है थोड़ा सा एहसास भी हो जो, इसलिए जो है यूथ जो है दूर गया है वो है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर विधानसभा के बारे में सोचे तो जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके ऊपर प्रभाव तो बड़ों का होता है वो आपको पता है, लेकिन लोकल को भी देखते हैं क्या कभी कभी कि ये लोकल जो कैंडिडेट है इसको सिर्फ वोट देनी? लोकल का तो जैसे रीजनल रीजनल पहले रीजनल पार्टियां ही होती थी ज्यादातर जो है, राज रीजनल का ही चला है तो अब जो है हरियाणा में इतना रीजनल वाला तो कोई बात रही नहीं है, मतलब वो फैक्टर अब जो रीजनल का बहुत ही कम हो गया है, अब सेंटर लेवल पे ही चल रहा है। तो मेरे को तो अब अपना यहाँ का तो हिसाब किताब ये लगता है, बाकी दूसरी जगह का तो क्या बताऊं। तो किसको अपर मान के चल रहे हो, बीजेपी या कांग्रेस आपके यहाँ से? काम के हिसाब से जो है बीजेपी ज्यादा बेटर है, जैसे सेंटर लेवल के ऊपर जैसे काम हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के ऊपर काम हुए हैं, हमने 10 साल में जो काम देखे हैं वो आज तक हमने नहीं देखे, जो ईमानदारी है वो तो ये है, और जिस ईमानदारी से काम हुए तो जो मतलब सेंटर में जो बीजेपी ने काम किए वो मेरे ख्याल में तो जो है इतना काम किसी ने नहीं किया। लेकिन आपके गांव से तो कैप्टन अजय यादव भी है, बड़े हमारे भाई बंधे, गांव के अंदर प्रभाव है उनका? नहीं, प्रभाव है कैसे नहीं है, प्रभाव है उनका जी, जो उनके वोटर है वो हैं, फिक्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये ना थोड़ी है कि भाई हम जो है ना भाई उनसे बंध गए हैं जो, ठीक है जो इतना तो है। अब जैसे उनको जो 800 वोट मिली, इनको 560 वोट इनको मिली है जो, बीजेपी को मिली है, जबकि गांव के हैं, अगर इतना ही प्रभाव होता तो फिर सारी की सारी वोट कांग्रेस को ही जाती है। बस यही फर्क है ना, तो इस वजह से भी माने कि बीजेपी वोट जो है वो कम रही। हाँ,
क्योंकि एससी एसटी जो है ना डाइवर्ट हो गया, टोटली कांग्रेस की तरफ चला गया। अब पहले क्या होता था, बहुजन समाज पार्टी का कोई कैंडिडेट होता था तो ये जो ना उस साइड में चले जाते थे बहुजन की तरफ, तो फिर जो है तिकोना जो ना मुकाबला हो जाता था। अब की बार कोई कैंडिडेट उन्होंने जो है था बीएसपी का था, लेकिन जो ना इन्होंने एससी एसटी ने जो ना टोटली अपने आप को जो है कांग्रेस से जोड़ दिया। इसलिए अच्छा, लोकल जब कैंडिडेट खड़ा किया जाता है, या पीछे भी आपने देखे कैंडिडेट खड़े हुए, तो जो कैंडिडेट खड़ा किया जाता है उसका भी विरोध होता है। जो कैंडिडेट कोई पसंद नहीं है, जैसे पिछली बार की अगर बात करें, पिछली बार जैसे सुनील मुंशीपुर खड़ा हुआ था, तो लोकल हमारी जो ना यहाँ विधानसभा के अंदर जो है लोकल आदमी जो ना उसको पसंद नहीं करते थे जी। तो ठीक है, वो इतनी वोट निकाल गए तो बीजेपी का प्रभाव था या राव साहब की जो ना अपनी जो है उसके अंदर आता था तो निकाल गए। बाकी हारने की वजह मेन यही है कि उसको पसंद नहीं करते जी। तो अगली बार जो आम वोटर है वो क्या सोच रहा है कि टिकट बदल जानी चाहिए या फिर कैसे क्या होना? टिकट तो बदलेगी, टिकट तो बदलेगी, बीजेपी की भी बदलेगी, हो सकता है रेवाड़ी से जो है कांग्रेस की भी जो है ना कुछ चेंजिंग हो जो है। कांग्रेस में तो मतलब एक ही परिवार अब तक रहा है, परिवारवाद तो जो है ना ये शुरू से कांग्रेस में चला ही आ रहा है। अब ये हुड्डा है ये भी परिवारवाद ही है, ये कौन सा जो परिवारवाद नहीं है। तो हमारे कप्तान साहब की भी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, ये तो जो ये तो सरपंची में भी आदमी जो ना गांव में ये चाहता है कि जो ना मैं सरपंच बनाऊं तो मेरे जो ना आगे जो ना मेरा परिवार में ही सरपंची रहे, जो गद्दीन कौन छोड़ना चाहता है। नीट आईआईटी और जेईई में सिलेक्शन गारंटी के साथ, नहीं तो फीस वापस। हम बात नहीं काम करते हैं, ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है। आपके कोसली इलाके का बेहतरीन इंस्टीट्यूट एसबीआई बैंक के पास, मेडिजी ने अपना स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक लुखी गांव में शुरू कर दिया है। अब छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। छब्बीस सालों का अनुभव अब संवारेगा आपके बच्चे का भविष्य। श्री भगवान जी लाए हैं डहिना एरिया के लिए बेहतरीन शिक्षण संस्थान, लॉर्ड कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आपके नजदीकी गांव निमोट में। अब होंगे आपके बच्चों के सपने साकार। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि संस्थान में आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा। IIT, PMT, GLAT, CAC, PT, NDA, सैनी स्कूल और मिलिट्री स्कूल सभी कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। मैं 26 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, 1998 से। मैं पहले भी दो संस्थाएं अच्छी चला रहा हूँ, ये तीसरी संस्था लेके हम भविष्य में आपके बच्चे का भविष्य बनाते चलेंगे। और जितने भी कंपटीशन टेस्ट हैं हमारे पास जो विद्यार्थी आए उसको संस्कारवान बनाएंगे, चरित्रवान बनाएंगे।